जयपुर के लोकप्रिय सांसद श्री पल्लव लोचन दास जी डामोरिया और विश्वनाथ से कैंडिडेट श्री प्रमोद बोरठाकुर डामोरिया, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी दिगंत घटवाल डामोरिया, उपाध्यक्ष श्री रंजन गोगोई डामोरिया, कोषाध्यक्ष श्री पंकज बोरा डामोरिया, पूर्व एमएलए प्रवीण हजारिका डामोरिया और चाय बगान के मैनेजर श्री रविन्द्र सिंह डामोरिया और पदम हजारिका डामोरिया और इस सभा में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों और भाइयों, परम श्रद्धा लायक आई मातृ शपोल बाई फोंटी भतेली शपोल, जय जयते बुर आई मा लुको लोई प्रणाम। वैसे मैंने ठीक बोला है कि नहीं बोला? ठीक बोला। की खबर बोले ना वो मैं भाइयों, असम में इसके पहले भी मेरा आना जाना बढ़ा रहा है। असम की सभ्यता और संस्कृति से भी मैं अच्छी तरह परिचित हूं। मेरी हिंदी समझ रहे हैं? और मैं जानता हूं हिंदुस्तान के हर राज्य को बहुत ही नजदीक से मैंने देखा है और असम को भी बहुत नजदीक से जाकर देखा है और गहराई तक असम को समझने की मैंने कोशिश की है। अहोम भाषा में असमा से ही असम बना। असमा का मतलब यह होता अद्वितीय, माने उसके जैसा कोई दूसरा हो ही न। जब मैं गहराई में जाकर असम राज्य को देखता हूं तो सचमुच मैं इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि असम जैसा राज्य ढूंढने पर भी जल्दी किसी को नहीं मिलेगा। एक ऐसा यह एक बेजोड़ यह राज्य हमारा असम राज्य। और जब कभी भी असम के दौरे पर मैं आता हूं तो मैं कहना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों, मुझे बहुत ही सुखद अनुभूति होती है, बहुत ही अच्छा लगता है आप बहनों भाइयों से मिलकर। जब मुझे इस बात की जानकारी प्राप्त हुई कि मैं विश्वनाथ जा रहा, तब मुझे 2014 की वह घटना याद आ गई, जबकि बड़ी संख्या में हमारे आदिवासी भाई मारे गए थे और उस समय यही आकर मैंने ऑल आउट ऑपरेशन की घोषणा की थी। लेकिन ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, इतना ही कहना चाहूंगा कि अब समझौता हो गया है। अधिकांश लोगों ने, क्या सभी लोगों ने अपने हथियार अब रख दिए हैं और इस क्षेत्र में अमन अमान का माहौल होगा। इससे बढ़कर दूसरी खुशी हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती। और जिस समय 2016 में हम लोगों की सरकार बनी थी असम में, उसके पहले 2014 में केंद्र में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। मैं भाइयों, उस समय ही हम लोगों ने यह फैसला किया था असम में उग्रवाद आतंकवाद का यह सिलसिला समाप्त होना चाहिए और अमन चयन के हालात इस असम के अंदर पैदा होने चाहिए। उस समय का ही हम लोगों का यह फैसला था। কংগ্রেস দলৰ গ্যান্টী সম্পন্ন চাকৰি পঞ্জীয়ন কাৰ্যসূচী। কংগ্ৰেছ দলে 5 লাখ চৰকাৰী চাকৰি আৰু 25 লাখ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ চাকৰিৰ গ্যান্টী দিছে। পঞ্জীয়ন কৰিবলৈ লগন কৰক www.congressor5guarantee.in। অভিনন্দন, আপুনি পঞ্জীভুক্ত হৈছে। আপোনাৰ আইডিটো হজত নেৰাখক। নিৰ্বাচনত জয়লাভ কৰাৰ পাছত কংগ্ৰেছ দলে অগ্ৰাধিকাৰ ভিত্তিত আপোনাক এটা চাকৰি দিয়াৰ গ্যান্টী দিছে। কংগ্ৰেছক आप लोगों के बीच खड़े होकर कहते हुए यह बेहद खुशी हो रही है। अब असम के हालात पहले से बहुत ही अच्छे हो चुके हैं और असम में अब विकास का चक्का बड़ी तेजी के साथ सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। जहां तक असम का सवाल है, यह माता कामाख्या देवी की यह धरती है, ब्रह्मपुत्र कि यह भूमि है, यह गौरवशाली भूमि है। और जैसा मैंने कहा कि इस राज्य की दूसरे राज्यों से तुलना नहीं की जा सकती, मैं असम आने के पहले से ही लचित बोरफुकन जैसे बहादुर जैसे शूरवीर के बारे में मैं अच्छी तरह मैं जानता हूं। और आज मैं भारत का रक्षा मंत्री हूं। मैं जब पुणे गया था खड़गवासला में,
जहां पर की नेशनल डिफेंस एकेडमी है, जहां पर की आर्मी के अधिकारियों की ट्रेनिंग होती है, वहां पर आपको जानकर खुशी होगी असमिया मां की कोख से पैदा हुए लचित बोरफुकन के नाम पर जो खड़कवासला में आर्मी का ट्रेनिंग हासिल कर रहा सेना का अधिकारी बेस्ट कैंडिडेट पाया जाता है, उसे लचित बोरफुकन के नाम पर ही ट्रॉफी दी जाती है। बहनों भाइयों, यह हम सबके लिए बड़े ही गौरव की बात है, यह कोई छोटी बात नहीं है। कनक लता जैसी वीरांगनाएं इस देश की धरती पर पैदा हुई है। यदि देखा जाए तो कई ऐसी हस्तियां, कई ऐसे शूरवीर और कई ऐसे महापुरुष यहां पर पैदा हुए हैं। श्रीमंत शंकर देव को कौन भूल सकता है। श्रीमंत शंकर देव के नेतृत्व में असमिया समाज ने धर्म, भाषा, संस्कृति, साहित्य, समाज सुधार की दृष्टि से कई महत्वपूर्ण कदम उठाए और आज भी उसकी झलक समाज के अंदर जो है देखी जा सकती है। और मैं यकीन दिलाना चाहता हूं, जहां तक हमारी भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, असम और पूरे नॉर्थ ईस्ट के मान सम्मान के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। जो हम लोगों ने वचन दिया है उस वचन को हम पूरी तरह से निभाएंगे। और आपने देखा संगीत क्षेत्र के माने जाने सम्राट भूपेन हजारिका जी को किसी ने सम्मानित नहीं किया, भारत रत्न के साथ सम्मानित करने का काम यदि किसी ने किया है तो हमारे नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। बहनों भाई, या तो उनका सम्मान है ही, लेकिन उसके साथ साथ मैं मानता हूं कि असम के बहनों भाइयों का भी एक बहुत बड़ा सम्मान है। नॉर्थ ईस्ट के लिए मैं यह मानता हूं कि असम यह केवल एक गेटवे नहीं है, बल्कि यह मैं मानता हूं पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए यह हाईवे है। मैं इस अहमियत को अच्छी तरह समझता हूं। क्या हो गया? निकल गया? चिंता मत करो, सांप काटना शुभ माना जाता है, इसका मतलब कि भाई ठाकुर जी भी सुरक्षित हो गई। डरो मत, वह काटेगा नहीं। मेरे बहनों भाइयों, 15 वर्षों तक असम में 2016 के पहले कांग्रेस की लगातार सरकार रही। कांग्रेस की सरकार ने असम के विकास के लिए क्या किया है, क्या नहीं किया है, हमसे बेहतर यदि कोई जानता है तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। आज फिर से कांग्रेस के लोग आपके बीच आकर आपसे वोट मांग रहे हैं। बहनों भाइयों, कांग्रेस के लोगों से यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि 15 वर्षों तक लगातार हमने आपको असम में सरकार चलाने के लिए पूरा समर्थन दिया, लेकिन उसके बावजूद आपने इस असम राज्य का विकास क्यों नहीं किया, इस सवाल का जवाब कांग्रेस के लोगों से पूछा जाना चाहिए। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कांग्रेस की सरकार जो 15 वर्षों में काम नहीं कर पाई, उसको 5 वर्षों के अंदर हमारे मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मेरे बहनों भाइयों, करके दिखाया है। यह मैं बात दावे के साथ कह सकता हूं, यह कोई छोटा नहीं। मैं केवल यह बात हवा में नहीं कर रहा, हमारे पास एक लंबी लिस्ट है जिस काम को सर्बानंद सोनोवाल ने 5 वर्षों के अंदर किया है। शिक्षा के क्षेत्र में भी देखें तो 5 नए विश्वविद्यालय हमारी असम की सरकार ने खोले हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो डीपू में एक मेडिकल कॉलेज खुला है और 6 नए मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, और धेमाजी में इंजीनियरिंग कॉलेज, 6 नए इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहे हैं, और 119 हाई स्कूल सिर्फ चाय दरान के इलाके में खोले जा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात 10 नए कैंसर हॉस्पिटल भी यहां की असम की सरकार ने खोले हैं। बहनों भाइयों, ये सर्बानंद जी सोनोवाल की सरकार, और असम माला प्रोग्राम के तहत
कठिनाई काम किया, हर जिले की सड़कों और स्टेट हाईवे को बेहतर बनाने के लिए 5,556 करोड़, फिर से कान खोलकर सुन लीजिए, 1, 2, 10, 20, 50, 100, 200 करोड़ नहीं, 5,556 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। और जो पैसे खर्च किए जा रहे हैं उसमें 343 किलोमीटर की सड़क बनकर तैयार हो गई। मेरे बहनों भाइयों, देखा आपने, यह सर्प आप लोगों के बीच गया था, आप लोगों का स्वागत करके फिर अपने घर जा रहा है। ऐसे ही देखा जाए मनरेगा के अंतर्गत भी 82 लाख रोजगार के अवसर हमारी सरकार ने सृजित करने का काम किया। और सबसे बड़ी बात, महिला सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत लगभग दो लाख ग्रामीण महिलाओं को 25,000 रुपए की वन टाइम ग्रांट। मैं आप बहनों से पूछना चाहता हूं, कुछ बहनों को 25,000 रुपए सभी को नहीं मिला होगा, लेकिन कुछ बहनों को 25,000 रुपए की वन टाइम ग्रांट मिली है कि नहीं मिली है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। यदि मिली है तो ताली बजा दीजिए, ये सरकार ने दिया है बहनों। और इतना ही नहीं, 50,000 रुपए की कैपिटल सब्सिडी महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को काम करने के लिए दी गई है। और मुझे बतलाया गया लगभग 84,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं जिनको कि अब तक लगभग 827 करोड़ दिए जा चुके हैं। इसी प्रकार से नौजवानों के रोजगार की दृष्टि से भी 1.42 लाख युवाओं को 50,000 रुपए अपना रोजगार कराने के लिए किसी सरकार ने दिया है तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहां की बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने के लिए दिया। बहनों भाइयों, काम बहुत हुए हमारी सरकार ने इस असम में, यानी जो काम किए हैं, सारे कामों की मैं चर्चा करूं तो लंबा समय लग जाएगा, लेकिन एक बात मैं दावे के साथ कर सकता हूं, हजारों करोड़ रुपया खर्च करने के बावजूद चाहे असम का कोई व्यक्ति हो, चाहे भारत का रहने वाला कोई व्यक्ति हो, उंगली उठाकर नहीं कह सकता है कि हमारे मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के दामन पर अथवा किसी मंत्री के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई हो, या उंगली उठाकर नहीं कह सकता। मेरे बहनों भाइयों, यह कोई छोटी बात नहीं है कि 5 वर्ष तक लगातार सरकार चलाए और उस सरकार के दामन पर कोई एक भी दाग न लगे। और मैं तो यह मानता हूं अब दो शांति समझौता भी हो गया है। बहनों भाइयों, अब उग्रवाद की समस्या भी काफी हद तक असम से समाप्त हो गई है। स्वाभाविक है विकास का चक्का अब तेजी के साथ चलेगा, क्योंकि लोग अब अपने को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वैसे ही जहां तक केंद्र सरकार का सवाल है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जो फैसले किए गए, मैं दावे के साथ कह सकता हूं आजाद भारत के इतिहास में बहनों भाइयों आज तक किसी प्रधानमंत्री ने ऐसे फैसले नहीं किए जैसे हमारे नरेंद्र भाई मोदी ने किए। यहां पर किसान लोग मौजूद हैं, किसान लोग हैं जरा हाथ उठाइए। अच्छा, जितने आप सभी लोगों के बैंक में खाते पहली बार खुले हैं ना, बैंकों में खाते पहली बार खुले हैं तो आवाज दीजिए, खुले हैं कि नहीं खुले, किसने खोला? मोदी जी ने खोला। और किसानों के लिए तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 6,000 रुपए प्रतिवर्ष प्राप्त हो रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आगे यह धनराशि बहनों भाइयों पढ़ने वाली है, कभी भी हिंदुस्तान के किसानों को 6,000 रुपए प्रतिवर्ष प्राप्त नहीं हुए थे, पहली बार किसानों को 6,000 रुपए प्रतिवर्ष प्राप्त हुए। यह कोई छोटी बात नहीं है। और इतना ही नहीं, आपको याद होगा राजीव गांधी जी जब भारत के प्रधानमंत्री थे तो कहते थे, मैं क्या करूं, मैं भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की कोशिश करता हूं लेकिन भ्रष्टाचार रुकता नहीं है, दिल्ली से 100 पैसा मैं भेजता हूं लेकिन नीचे पहुंचते पहुंचते लोगों तक पहुंचते पहुंचते केवल 100 पैसे में 16 पैसा पहुंच पा रहा है। यह लाचारी व्यक्त की थी राजीव गांधी जी जब भारत के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने
लेकिन बहनों भाइयों, हमारा प्रधानमंत्री लाचार नहीं है, निरीह नहीं है। उसने फैसला कर लिया, हम ऐसा उपाय करेंगे, यदि हम दिल्ली से 100 पैसा भेजेंगे तो आपकी जेब में, आपके खाते में 100 का 100 पैसा पहुंचेगा, एक पैसा भी कोई मां का लाल नहीं ले सकता। और यह करके हम लोगों ने दिखाया है। और असम में 1,44,00,000 जनधन खाते खुले हैं। जहां तक गैस कनेक्शन का प्रश्न है, किसी प्रधानमंत्री ने, किसी सरकार ने कभी नहीं सोचा